जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है विवाह में होते हैं कुछ शास्त्रीय नियम, जानेंगे इसी के विषय में। मित्रों, जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। आइए जानते हैं विवाह में उपयोग होने वाले कुछ शास्त्रीय नियम। मित्रों, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए प्रमुख संस्कार विवाह संस्कार होता है। इसे हमारे नैतिक ग्रंथों में संस्कार की संज्ञा दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन को संयमित बनाकर संतान उत्पत्ति करके जीवन के सभी ऋणों से उत्तीर्ण होकर मोक्ष के लिए कर्म करें, इसलिए विवाह में ये नियम निर्धारित किए गए हैं। मित्रों, आइए जानते हैं वे नियम क्या क्या है। मित्रों, वर व वधु दोनों सहगोत्रीय यानी कि एक गोत्र के कभी भी नहीं होने चाहिए। वधु का गोत्र एवं ननिहाल पक्ष का गोत्र एक ही नहीं होना चाहिए। दो सगी बहनों का विवाह दो सगे भाइयों से करना भी शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। मित्रों, दो भाइयों का, दो बहनों का अथवा दो भाई बहनों के विवाह में 6 मास का अंतर होना जरूरी होता है। मित्रों, कुल में विवाह होने पर 6 माह के भीतर मुंडन, यज्ञोपवीत, जनेऊ संस्कार, चूड़ा आदि मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु 6 मास के भीतर ही यदि संसार साल बदल जाता है तो यह कार्य किए जा सकते हैं। मित्रों, वैवाहिक अथवा अन्य मांगलिक कार्यों के मध्य श्राद्ध आदि अशुभ कार्य करना भी शास्त्रों में वर्जित माना गया है। मित्रों, वर व कन्या के विवाह के लिए गणेश पूजन हो जाने के पश्चात यदि दोनों में से किसी के भी कुल में कोई अगर मृत्यु हो जाती है तो वर व कन्या तथा उनके माता पिता को सूतक नहीं लगता है तथा निश्चित तिथि पर विवाह कार्य किया जा सकता है। मित्रों, बागदान अथवा लग्न चढ़ जाने के पश्चात परिवार में कोई मृत्यु होने पर सूतक समाप्त होने अथवा 1.25 माह से पश्चात विवाह करने में कोई दोष नहीं लगता है। मित्रों, आज के लिए बस इतनी ही जानकारी। ये थी विवाह से संबंधित कुछ शास्त्रीय नियम की जानकारी। जुड़े रहिए मेरे इस YouTube चैनल पर। इस चैनल पर आप बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को सरल भाषा में जानते हैं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, जय श्री श्याम।